Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Savasaunam, Siddhe Jininda Chande, Ayariya Vachaya Sahugane, Vandiya Sammadansana Charita Laddim Paruvemo. Siddhant Chakravarti Acharya Shri Nemichand Ji ne is Labdhisar Granth ki rachna ki hai. Usi ke aadhar se Sanskrit Tika bani thi. Uske aadhar se Pandit Todalmal Ji ne is Samyagyan Chandrika Labdhisar Shapnasar Granth ki Bhasha Tika ढुंडारी भाषा में लिखी है और उसी का यहाँ हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ अपना शपना संबंधी विषय चल रहा है और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के अंत तक पहुँच गए हैं, है ना? अपगत वेद होते ही पहले अश्वकर्ण क्रिया के साथ अपूर्व स्पर्धक किए थे। अपूर्व स्पर्धक करने के एक अंतर्मूर्त के पश्चात चार क्रोध से चढ़ने वाले के चारों ही कशायों की तीन तीन संग्रह कृष्टि करके 12 संग्रह कृष्टि बनाई थी। उसके बाद जब कृष्टि का उदय हो शुरू हो जाता है तो एक एक संग्रह कृष्टि के जो ऊपर से हम पहले दूसरी तीसरी कहेंगे, सबसे पहले ऊपर की क्रोध की पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक के बाद एक एक संग्रह कृष्टि का वेदक होगा। यानी एक एक संग्रह कृष्टि की प्रथम रचना होगी, प्रथम स्थिति में अंतर्मूर्त प्रमाण गुणश्रेणी रूप से रचना होगी, वो घटते घटते गलते गलते आवली प्लस एक समय रहेगा तो उसका वो उदय का अंतिम समय। उसके पश्चात वाली जो संग्रह कृष्टि है उसके परमाणु नीचे आएंगे, उसकी प्रथम स्थिति फिर दोबारा तैयार होगी। बीच में अंतर तो कायम है अभी भी, और फिर उसका वेदक होगा, वो स्थिति गलते गलते चली जाएगी, फिर तृतीय संग्रह कृष्टि नीचे आएगी, उसके बाद मान के पहले दूसरे और तीसरे, उसके बाद माया के पहले दूसरे और तीसरे संग्रह कृष्टि का वेदक होगा, उसके पश्चात लोभ के प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदक होगा, उसके बाद लोभ के द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदक होगा। यानी अभी 23/24 इतना द्रव्य उसके अंदर आ गया है द्वितीय संग्रह कृष्टि में। इसके बाद कौन से कृष्टि का उदय होने वाला है भोगेगा तो डायरेक्ट सूक्ष्म कृष्टि को। तृतीय संग्रह कृष्टि का वेदक नहीं होगा, उसका भोगने वाला नहीं होगा उसके। तो अब जब द्वितीय संग्रह कृष्टि का वेदक है, उसका उदय चल रहा है, उस काल में द्वितीय संग्रह कृष्टि का संक्रमण हमने देखा था ना, संख्यात गुना। अभी यहाँ द्रव्य है 23 गुना 24, इतना द्रव्य तो यहाँ के बाद जो उदय रूप होने वाली सूक्ष्म कृष्टि उसमें टर्न हो जाएगा, कुछ द्रव्य तृतीय संग्रह कृष्टि में हो जाएगा। और तृतीय संग्रह कृष्टि में द्रव्य कितना, 1/24 है, और उसका द्रव्य सारा का सारा एक एक समय करके सूक्ष्म कृष्टि रूप होगा। यानी यहाँ सूक्ष्म कृष्टि किस में से बन रही है, तृतीय संग्रह कृष्टि में से बन रही है। कुछ द्रव्य द्वितीय से तृतीय में भी जा रहा है और बहुत सारा द्रव्य द्वितीय में से डायरेक्ट सूक्ष्म कृष्टि रूप भी हो रहा है। तो द्वितीय में से तृतीय होकर फिर तृतीय में से सूक्ष्म कृष्टि हो ही रही है। यानी जो द्वितीय में से तृतीय संक्रमित होता है तृतीय में, वो वहाँ आवली प्रमाण काल रहकर वो आगे फिर उसका सूक्ष्म कृष्टि बनती चली जाती है। इसलिए यहाँ क्या लिखा उसको हम देखेंगे, पृष्ठ संख्या 427 पर देखो। हमने अभी 578 की टीका के 2-3 लाइन पढ़ी थी, उसके ऊपर का पैराग्राफ देखते हैं। 427 पृष्ठ पर ये नया पैराग्राफ दूसरा, लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि से
उसके तृतीय संग्रह कृष्टि में प्रदेश संक्रमण हुए, उससे संख्यात गुणा प्रदेश सूक्ष्म कृष्टि रूप होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अभी द्वितीय संग्रह कृष्टि में 23 भाग यानी 23 गुणा द्रव्य है, तृतीय संग्रह कृष्टि में 1/24 और द्वितीय में 23/24 द्रव्य है। तो उसमें तो तृतीय संग्रह कृष्टि में तो 23 भाग चले जाएंगे और सूक्ष्म कृष्टि में कितने, 23 × 24 इतना चला जाएगा, यानी संख्यात गुणा द्रव्य उसमें चला जाएगा, क्योंकि उसका भी उदय होने वाला है ना सूक्ष्म कृष्टि का। द्वितीय संग्रह कृष्टि में से डायरेक्ट सूक्ष्म कृष्टि में होने वाला द्रव्य ज़्यादा है और द्वितीय में से तृतीय में संक्रमित होने वाला द्रव्य थोड़ा है। हाँ, ये सारा द्वितीय स्थिति में चल रहा है। प्रथम स्थिति में तो जो गुण श्रेणी बनी है और जितना द्रव्य प्रति समय नीचे अपकर्षण होकर आ रहा है, जो खिर रहा है, प्रति समय गुण श्रेणी छोटी हो रही है, एक समय बचेगा तब तक ये ऐसा ही चलेगा, यानी नीचे गलते चला जाएगा। वैसे आगाल तो दो समय दो अवली बाकी रही तब आगाल रुक गया था, समझ में। और बाकी ये जो कार्य संक्रमण होने का है, सूक्ष्म कृष्टि बनने का है, वो द्वितीय स्थिति में चल रहा है। प्रथम स्थिति में तो द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप से उदय चल रहा है। अब यहाँ तक लोभ का उदय है तो लोभ का बंध भी है। जब तक द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप से उदय चल रहा है तब तक द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप से वहाँ बंध भी है, उसके अंतिम उदय के अंतिम समय तक बंध होगा और वही नौवे गुणस्थान का अंतिम समय होगा। उसके बाद सूक्ष्म कृष्टि का उदय होने वाला है, तब दसवां गुणस्थान चालू हो जाएगा। इसके नवक समय प्रबद्ध कुछ बाकी रहेंगे, वो दसवें गुणस्थान के शुरुआत में सूक्ष्म कृष्टि रूप होकर संक्रमित हो चले जाएंगे। उसके नवक जो प्रबद्ध है वो बनने वाले हैं द्वितीय द्वितीय कृष्टि का। हाँ, तो वो फिर जो नए बनेंगे तो वो सूक्ष्म रूप से ही डायरेक्ट बनेंगे, वो सूक्ष्म कृष्टि रूप हो जाएंगे। बनते समय द्वितीय कृष्टि रूप से बन रहे, अब वो दसवें गुणस्थान के काल में शुरुआत में वो जो नवक समय प्रबद्ध बचे हुए थे वो डायरेक्ट सूक्ष्म कृष्टि रूप हो जाएंगे। अभी वो तृतीय होगा और फिर ऐसा नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ द्वितीय में से सूक्ष्म कृष्टि होने वाला द्रव्य 23 × 24 इतने गुना होगा, यानी 552 गुना कुछ होगा ना, 23 × 24 का वो 552 गुना होता है। और दूसरे में से तीसरे में जाने वाला द्रव्य तो बस 23 भाग प्रमाण होगा, इतना द्रव्य उसमें से निकलेगा। अब जो दूसरे में से तीसरे में गया है या तीसरे का तीसरे संग्रह कृष्टि का अपना द्रव्य है, वो सूक्ष्म कृष्टि रूप हो ही रहा है। तो अब यहाँ बता रहे हैं, ये अपना 427 पृष्ठ चला था ना, फिर वो नीचे की 578 की टीका दोबारा पढ़ेंगे। इस प्रकार लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि के वेदक जीव के उसकी प्रथम स्थिति में जब तक 3 आवली अवशेष रहे तब तक द्वितीय संग्रह कृष्टि से तृतीय संग्रह कृष्टि में द्रव्य संक्रमण रूप होकर प्राप्त होता है। यानी इसमें से डायरेक्ट सूक्ष्म कृष्टि तो हो ही रही है और कुछ द्रव्य तृतीय संग्रह कृष्टि से हो रहा है। वो कब तक होगा? जब तक इसके प्रथम स्थिति में 3 आवली प्रमाण काल शेष रहता है तब तक। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो तृतीय संग्रह कृष्टि रूप से संक्रमित होगा वो वहाँ 1 आवली काल तक रुक कर बाद में वो सूक्ष्म कृष्टि रूप होगा। डायरेक्ट संक्रमित हुआ दूसरे समय में फिर और सूक्ष्म कृष्टि रूप, ऐसा नहीं हो सकता। संक्रमण होने के पश्चात, जैसे बंध होने के पश्चात आवली काल रुकना पड़ता है ना, ऐसे संक्रमण होने के पश्चात उसका और आगे संक्रमण होने के लिए 1 आवली काल चला जाएगा, इसलिए तीसरी आवली बाकी है तब तक उसका संक्रमण होगा, बाद में वो रुक जाएगा। जितना सारा तृतीय में है वो सारा आगे सूक्ष्म कृष्टि रूप होकर रह जाएगा। यही बात यहाँ हम पढ़ेंगे। वह कहते हैं लोक की द्वितीय संग्रह कृष्टि की प्रथम स्थिति में, ये बीच में 3 ऐसा शब्द लिखा है वो सब निकाल देना,
प्रथम स्थिति में चाहिए, प्रथम तीन स्थिति में ऐसा लिखा है ना, वो तीन शब्द वहाँ से निकाल दो, वो गलत हुआ वहाँ पर। लोक की द्वितीय संग्रह कृष्टि की प्रथम स्थिति में, ये करेक्ट है। बीच में तीन ऐसा शब्द लिखा है, उसको वहाँ से काट दो। प्रथम स्थिति में तीन आवली का नाम क्या लिया है? विश्रमणावली, संक्रमणावली और उच्चिष्ठावली। ये तीन अवशेष रहे तब तक लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि में देता है, क्योंकि तृतीय संग्रह कृष्टि में संक्रमण हुआ द्रव्य वहाँ विश्रमणावली तक तो विश्राम करता है, विश्राम करता है ना, उसमें आवली तक कुछ चेंजेस नहीं होते। पश्चात संक्रमणावली में सूक्ष्म कृष्टि रूप होकर संक्रमण करता है, तब उच्चिष्ठावली मात्र प्रथम स्थिति रह जाती है। यानी संक्रमणावली तक तो संक्रमण किया, वो संक्रमणावली में संक्रमित हो जाएगा और फिर आगे उसकी उच्चिष्ठावली शेष रह जाएंगे। इसलिए तीन आवली अवशेष रहे तब तक द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य तृतीय संग्रह कृष्टि में संक्रमण होना कहा है, उसके ऊपर यानी उसके पश्चात द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य अपकर्षण संक्रमण द्वारा, अपकर्षण संक्रमण यानी अनुभाग का अपकर्षण होकर उसका सूक्ष्म कृष्टि होना, इसको अपकर्षण संक्रमण कहा। किसमें अपकर्षण हो रहा है? अनुभाग में। अनुभाग का घटकर अत्यंत सूक्ष्म होना, इसको भी अनुभाग का संक्रमण कहा। देखो संक्रमण शब्द आता है तो हमेशा हम अन्य प्रकृति रूप होने को संक्रमण कहते थे, वो हुआ प्रकृति संक्रमण। स्थिति संक्रमण भी होता है, किसकी स्थिति कितनी है उससे अन्य स्थिति में जा जाए, अन्य निषेकों में मिलता है, उसको स्थिति संक्रमण भी कहते हैं। और यहाँ हम अनुभाग संक्रमण कह रहे हैं। प्रदेश तो प्रदेश ही रहे, उसमें क्या संक्रमण होगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या शब्द आया उसके लिए? अपकर्षण संक्रमण द्वारा, यानी अनुभाग का अपकर्षण यानी घटकर सूक्ष्म कृष्टि रूप होना, इसको अपकर्षण संक्रमण कहा। सूक्ष्म कृष्टि में ही संक्रमण करता है, यानी द्वितीय से डायरेक्ट जो रिमेनिंग है दो आवली तक, वो तो सूक्ष्म कृष्टि रूप डायरेक्ट हो जाएगा। जब तक दो आवली शेष रह जाती है तब तक ऐसा जानना, वहाँ आगाल प्रत्यागाल की विच्छित्ति करके एक समय कम आवली मात्र निषेकों को अधोगलन रूप क्रम से भोग कर समय अधिक आवली अवशेष रखता है। यानी द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप से उदय चल रहा है, कब तक? आवली और एक समय बाकी रहे तब तक। वहाँ द्वितीय संग्रह कृष्टि की प्रथम स्थिति में समय अधिक आवली अवशेष रहने पर अनिवृत्तिकरण का अंत समय होता है, ये नौवे गुणस्थान का अंतिम समय। देखो नौवे गुणस्थान में कितना 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 कार्य हो गया है ना। वहाँ लोक की तृतीय संग्रह कृष्टि का तो सर्वद्रव्य सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त होता है, क्योंकि ये सब संक्रमित होकर नष्ट हुआ है। तृतीय संग्रह कृष्टि का उदय नहीं होगा कभी। जब द्वितीय संग्रह कृष्टि का उदय हो रहा था उसी काल में द्वितीय संग्रह कृष्टि का थोड़ा द्रव्य तृतीय में जाता था और बहुभाग द्रव्य डायरेक्ट संग्रह सूक्ष्म कृष्टि रूप हो रहा था, उसी समय तृतीय संग्रह कृष्टि का भी द्रव्य सूक्ष्म कृष्टि रूप हो रहा था। जब द्वितीय संग्रह कृष्टि के उदय का अंतिम समय है तब तक पूरा तृतीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य तो सूक्ष्म कृष्टि रूप हो ही गया है, द्वितीय का भी पहला सारा हुआ, एक्सेप्ट क्या शेष रहा? नवक समय प्रबद्ध शेष रहा, उसका सूक्ष्म कृष्टि रूप परिणाम ना दसवें गुणस्थान के शुरुआत में हो जाएगा। तो कहते हैं अनिवृत्तिकरण का अंत समय आया है। वहाँ लोक की तृतीय संग्रह कृष्टि का तो सर्वद्रव्य सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त होता है, लोक की द्वितीय संग्रह कृष्टि के द्रव्य में समय अधिक उच्चिष्ठावली मात्र निषेक
और एक समय कम आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध, ये तो बादर कृष्टि रूप रहते हैं। अन्य सर्वद्रव्य सूक्ष्म कृष्टि रूप द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा तो इस समय में परिणामता है, और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अगले समय में, नेक्स्ट समय में, ये हिंदी वाला अगले। उच्चिष्टावली मात्र निषेक और दो समय कम दो अवली मात्र नवक समय प्रबद्ध बिना, हमने कहा ना कथन का डिफरेंस है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कथन। द्रव्यार्थिक जो नहीं है उसको कहेगा, और ये जो द्रव्य पर्यायार्थिक में जब नष्ट हो गए तब कहेगा, और द्रव्यार्थिक में है तभी कहेंगे, यानी अंतिम समय में नाश हुआ कहेंगे, जब है तभी नाश हुआ कहेंगे, और पर्यायार्थिक नय में जब वो नहीं रहा तब नाश हुआ कहेंगे। कथन में डिफरेंस है, कुछ फर्क नहीं उसमें, इसलिए कहीं एक समय कम या कहीं दो समय कम लिखा है, उसमें अपेक्षा यही है। तो अन्य सर्व द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य सूक्ष्म कृष्टि रूप परिणमता है ऐसे जानना, यानी हमारी भाषा में ये नवक समय प्रबद्ध बाकी रहा है, उच्चिष्टावली शेष रहेगा, वो तो एक एक समय का निषेक सूक्ष्म कृष्टि रूप होकर उदय में आएगा, जिसको हम थिवुक संक्रमण कहेंगे। अब 429 पेज पर आना, वहाँ अनिवृत्तिकरण के अंत समय में, ये आवली प्लस एक समय बाकी है तभी की बात चल रही है, उस अंत समय में संज्वलन लोक का जघन्य स्थितिबंध अंतर्मूर्त मात्र है, ये मिनिमम पॉसिबल स्थितिबंध है, उपशम श्रेणी में भी हमने देखा था उससे आधा है, ये क्षपक सूक्ष्म सांप्राय में है, क्षपक अनिवृत्तिकरण में लोभ का स्थितिबंध है, यहाँ पर ये अंतिम है, दसवें गुणस्थान में जाने पर सूक्ष्म कृष्टि का उदय रहेगा, सूक्ष्म कृष्टि के उदय में अभी मोहनीय का बंध नहीं होगा, यानी भले लोभ का उदय है पर लोभ का बंध नहीं होगा। अब तक क्या हो रहा था, माया का बंध और उदय रुक गया था, उसके बाद लोभ के प्रथम संग्रह कृष्टि का उदय हो रहा था, उसका बंध हो रहा था, लोभ के द्वितीय संग्रह कृष्टि का उदय हो रहा था, लोभ का बंध भी हो रहा था। अब भी अंतिम समय में उसका बंध हुआ, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में लोभ का बंध हुआ है, किस रूप से, द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप से। इसके आगे दसवें गुणस्थान शुरू होगा, सूक्ष्म कृष्टि का उदय शुरू होगा, यानी लोभ का उदय होने पर भी लोभ का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो जघन्य है, और ये नियम है, जघन्य लोभ जो है, सूक्ष्म कृष्टि रूप जो लोभ है, उसके उदय में नया मोहनीय का बंधन नहीं होगा, नहीं तो फिर उसमें से छुटकारे का कोई सवाल ही नहीं है, है ना। जैसे उसके लिए परमाणु का भी उदाहरण देते, दृष्टांत देते हैं, क्या उदाहरण है, हाँ, यानी परमाणु में भी जो जघन्य अंश है, स्निग्ध या रुक्ष का जो जघन्य अंश है, एक गुण जिसको कहा है, कहते हैं एक गुण, उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, स्निग्धता के या रुक्षता के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, परंतु वो मिनिमम पॉसिबल है, जिसमें ऐसे मिनिमम पॉसिबल रुक्षता या शून्यता है उसको कहेंगे एक गुण। तो जहाँ एक गुण रूप से परमाणु है, हमेशा नियम क्या था, एक गुण वाला तीन गुण वाले के साथ, यानी एक दो अधिक के साथ बंधना चाहिए, परंतु एक वाला तीन के साथ नहीं बंधेगा, हाँ दो वाला चार के साथ बंधेगा, तीन वाला पाँच के साथ बंधेगा, पाँच वाला सात के साथ बंधेगा, परंतु एक वाला किसी से भी नहीं बनता। जैसे वो पुद्गल में बात है, वैसे यहाँ पर है कि सूक्ष्म लोभ के उदय में नया बंधन नहीं होगा, किसका, लोभ का, ज्ञानावरण का होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, क्योंकि दसवें गुणस्थान में अभी ज्ञानावरण दर्शन अंतराय का बंध है, वेदनीय का नाम गोत्र का भी बंध है, मोहनीय का बंध रुक जाएगा। अब यहाँ 429 पृष्ठ पर आ गए हम, वहाँ यानी अनिवृत्तिकरण के अंत समय में संज्वलन लोभ का जघन्य स्थिति बंध अंतर्मूर्त मात्र है, यहाँ ही मोह बंध की विच्छित्ति हुई, यानी यहाँ अंतिम बंध है, इसके आगे बंध नहीं, तो यहीं पर विच्छित्ति हुई कहेंगे। ये द्रव्यार्थिक प्रश्न फिर पूछना, मोह के उदय में
मोहनीय का इसलिए नहीं बंद होता कि अभी उसका सूक्ष्म अंश है, अभी मोहनीय का बंद नहीं होने वाला, बंद होगा यहाँ पर। तो कहते यहाँ ही मोह बंद की विच्छित्ति हुई। अरे यहाँ तो बंद है ना, तो यहाँ विच्छित्ति क्यों कह रहे हैं? ये कथन का डिफरेंस है। द्रव्यार्थिक ने इसे कहेंगे यहाँ ही हुई, पर्यायार्थिक कहे कि नेक्स्ट समय में बंद नहीं रहा। ख्याल में ना, कथन में डिफरेंस होता है, वस्तु व्यवस्था में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम सब कहाँ कहाँ मिले हैं अभी, देवलाली में। आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? इंदौर जाएंगे आप, भाई साहब बेंगलोर जाएंगे आप, नीलेश होशंगाबाद जाएंगे कि भोपाल जाएंगे, होशंगाबाद जाएंगे। तो हम सब कहाँ बिछुड़े? अरे देवलाली में तो साथ में थे ना, बिछुड़े कहाँ? ख्याल में, ये जैसा कथन है, यहाँ का अंतिम बंद का समय है तो कहेंगे उसी पर बंद की विच्छित्ति हुई, और उसको खोल कर बताना है, कहेंगे इस यहाँ बंद है, नेक्स्ट समय में बंद नहीं है। तो कोई कहेगा बाद में बंद की विच्छित्ति हुई, पर अभी तक हमने प्रत्येक गुणस्थान की जो बंद विच्छित्ति देखी है, जहाँ उस किसी गुणस्थान में बंद नहीं है उसको कहेंगे वह उस गुणस्थान में होने वाली बंद की विच्छित्ति है, अन्य कहीं पर भी नहीं होता। तो कहेंगे उसके मिथ्यात्व गुणस्थान में ही बंद की विच्छित्ति हुई, वहाँ तो बंद रहे ना, हाँ वहाँ बनता है, आगे कहीं नहीं बनता। ऐसे ही मोहनीय का अंतिम बंद कहाँ तक है? तो नौवें गुणस्थान, उसके ऊपर में बंधने वाला कौन है? तो संज्वलन लोभ है, वो भी कितना बंद रहा है स्थिति, तो अंतर्मुहूर्त मात्र बंद रहा है। तो यहाँ ही मोह बंध की विच्छित्ति हुई, विच्छित्ति का अर्थ समझ में आया ना, बंध रुक गया, यहाँ पर अंतिम बंध है उसका। तीन घाती कर्मों का एक दिन से कुछ कम, तीन अघाती कर्मों का न्यून स्थितिबंध होता है, ये नौवे के अंत की बात चल रही। यहाँ का स्थिति सत्व अब देखेंगे, क्रम से लोभ का अंतर्मूर्त, अभी लोभ ही बचा है एकमात्र, और उसका स्थिति सत्व अंतर्मूर्त, क्योंकि अभी तक दसवां गुणस्थान बाकी है ना, उसकी सत्ता पड़ी है, उदय भी रहेगा, बंध नहीं होगा, लोभ का बंध इससे आगे नहीं है, लोभ का उदय दसवें में रहेगा और उसके अंत समय तक उसकी सत्ता भी रहेगी, उदय और सत्ता एक साथ नष्ट हो जाएगी। तीन घाती कर्मों का यथा योग्य संख्यात हजार वर्ष मात्र, सत्व की बात चल रही बंध की नहीं, और तीन अघाती कर्मों का कितना है? हाँ असंख्यात वर्ष, वो के छूटने को तैयार नहीं है जल्दी। यथा योग्य असंख्यात वर्षों का सत्व उसका पड़ा है, नाम और गोत्र का सत्व, वेदनीय नाम गोत्र का। अब अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर, अनंतर यानी नेक्स्ट समय में, सूक्ष्म कृष्टियों को वेदता हुआ, ये सूक्ष्म कृष्टि कहाँ से आएगी अभी? हाँ, द्वितीय स्थिति में बनी थी ना, द्वितीय स्थिति में जो द्वितीय और तृतीय संग्रह कृष्टि में से सूक्ष्म कृष्टि रूप परिणामिन हुआ था, अब यहाँ प्रथम स्थिति में तो उसका उदय होते होते द्वितीय संग्रह कृष्टि का अंतिम समय बीत गया, अभी नेक्स्ट समय में दसवां गुणस्थान होगा, वहाँ उदय किसका होगा? तो सूक्ष्म लोक का, सूक्ष्म कृष्टि का, यानी उसी एक ही समय में द्वितीय स्थिति वाले सूक्ष्म कृष्टि के परमाणु नीचे आएंगे और उदय के समय से लेकर वहाँ रचना होगी प्रथम स्थिति की। यहाँ एक बात विशेष होने वाली है, जरा जोर से पूछना, सूक्ष्म लोभ की कृष्टि तृतीय संग्रह कृष्टि, हाँ वो सारी सूक्ष्म लोभ रूप परिणमित हुई थी, अब पूरी द्वितीय संग्रह कृष्टि और तृतीय संग्रह कृष्टि सारी सूक्ष्म कृष्टि हुई है, तृतीय संग्रह कृष्टि का उदय ही नहीं होने वाला है, वो तो मिट चुकी, उसका उदय बिना ही वो सारी सारी सूक्ष्म कृष्टि रूप हुई है, द्वितीय और तृतीय में से एट ए टाइम सूक्ष्म कृष्टि बन गई है, अब यहाँ उदय डायरेक्ट सूक्ष्म कृष्टि का होगा। सूक्ष्म कृष्टि के परमाणु द्वितीय स्थिति में पड़े थे, बीच में अंतर पड़ा था,
अब नीचे उच्चिष्टावली बाकी थी द्वितीय संग्रह पृष्ठ की, उसका उदय होने वाला नहीं है। अब उदय के समय से निषेक रचना होगी। अब तक तो अंतर को लांग कर नीचे निषेक रचना होती थी, अब अंतर में भी द्रव्य दिया जाएगा। यहाँ आकर प्रथम जो कांडक घात होगा, यानी उसका अपकर्षण होते होते स्थिति का भी चल रहा है, तो वहाँ क्या है, पहले समय से लेकर गुणश्रेणी रूप रचना तो होगी ही होगी। उसके ऊपर जो अंतर के निषेक जहाँ अभाव रूप थे, उसमें भी द्रव्य दिया जाएगा, उसमें भी निषेक की रचना होगी, नई रचना होगी। और फिर ऊपर तो द्वितीय स्थिति में तो परमाणु है ही है, यानी अब जाकर अंतर समाप्त करने का कार्य होगा। जब से अंतर किया था, अंतरकरण हुआ था ना क्षपणा के पूर्व में, तब से अंतर को लांग कर ये सारी रचनाएं होती थी, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे इसकी। अब यहाँ जाकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के पहले समय से लेकर द्वितीय स्थिति के सूक्ष्म कृष्टि के परमाणु नीचे आएंगे। वो प्रथम स्थिति जैसी जो रचना थी, वहाँ तो गुणश्रेणी रूप तो दिया ही जाएगा, बीच में जिनका अंतर रूप निषेक, जो अभाव रूप निषेक थे, वहाँ पर भी द्रव्य दिया जाएगा और ऊपर द्वितीय स्थिति में भी दिया जाएगा, उसको अभी हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ ये हो गया क्या, हाँ ये पेज नंबर 430 पर है ना, नहीं ये यहाँ से हुआ था 582 की बात लेना है। हाँ यहाँ हमने स्थिति सत्व देखा था, तीन आघाती का असंख्यात वर्ष, वहाँ तक आए थे, बराबर है ना। अब यहाँ हम 582 की टीका पढ़ेंगे। देखो फिर दोबारा, अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंत यानी एक समय में सूक्ष्म कृष्टियों को वेदता हुआ, यानी उसका उदय शुरू हो जाएगा, अपने काल में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान को प्राप्त होता है। यहाँ उसके प्रथम समय में, यानी सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में लोक की सूक्ष्म कृष्टियों की अंतर्मुहूर्त मात्र स्थिति है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था स्थिति सत्व अंतर्मुहूर्त बचा है, तो अंतर्मुहूर्त मात्र स्थिति सत्व है। उसके संख्यात्वे भाग मात्र स्थिति कांडक आयाम लांछित होता है। अभी इतना ही अंतर्मूर्त मात्र स्थिति सत्व बचा है, किसका, सूक्ष्म कृष्टि का, कहाँ, द्वितीय स्थिति में, उसमें से इतना अनुभाग, इसमें से कांडक घातों का, स्थिति कांडक घात, ये स्थिति कांडक घात तो चल ही रहे हैं, क्योंकि वो स्थिति घटती चली जा रही है ना, कांडक घात के द्वारा उसको घटती है, तो इतना कांडक घात होगा और ये द्रव्य नीचे सर्वत्र दिया जाएगा। अब नीचे दिया जाएगा तो उदय के समय से, बीच में अंतर था तो यहाँ से कांडक घात होगा, उसका द्रव्य उदय के समय से गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा, बीच में अंतर था वहाँ पर भी दिया जाएगा और बाकी शेष ऊपर भी सर्वत्र दिया जाएगा, क्योंकि कांडक का द्रव्य वहाँ से निकल कर सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं उसके संख्यात्वे भाग मात्र, यानी अंतर्मूर्त मात्र अभी सत्ता में स्थिति पड़ी है, स्थिति सत्व है, उसमें ऊपर के जो निषेक है अंतर्मूर्त प्रमाण वाले, उसका संख्यात्व भाग, तो उसको कांडक रूप से ग्रहण करके स्थिति कांडक आयाम लांछित होता है। मोह के कृष्टि को प्राप्त हुए अनुभाग का, यानी अभी सारे अनुभाग सूक्ष्म कृष्टि रूप पड़ा है यहाँ पर, उसमें और क्या हो रहा है, अनुसमयापवर्तन हो रहा है, प्रति समय और भी घात हो रहा है। यहाँ जितना अधिक अनुभाग वाले परमाणु है उनका अनुभाग और घट रहा है, क्योंकि अभी दसवें के अंत तक यही प्रोसेस चलता रहेगा, प्रति समय अनुभाग का घात भी होगा, उदय में भी आने वाला अनुभाग प्रति समय हीन 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 होते चला जाएगा, यहाँ बंध तो है ही नहीं है। और ज्ञानावरणादि में क्या हो रहा है, स्थिति कांडक घात भी हो रहे हैं और अनुभाग कांडक घात भी पूर्ववत वर्तते हैं। उस समय में द्रव्य निक्षेपण का विधान कहते हैं, द्रव्य निक्षेपण यानी द्वितीय स्थिति में स्थित जो सूक्ष्म कृष्टि का द्रव्य है वो उदय के समय से कैसा दिया जाएगा,
उसको कहेंगे द्रव्य निक्षेपण। सूक्ष्म कृष्टि संबंधी स्थिति में प्राप्त यानी द्वितीय स्थिति में प्राप्त, क्योंकि सारा द्रव्य द्वितीय स्थिति में पड़ा हुआ था, तो द्वितीय स्थिति में जितना द्रव्य है कितना है, मोह का सर्वद्रव्य अब तक गया ना सारा, परंतु वो संक्रमित होते हमने देखा था ना, होते 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 सारा अभी सूक्ष्म कृष्टि रूप से हो गया है, तो अभी तक जो निकल गया वो थोड़ा सा था असंख्यात है, पूरा का मोह का द्रव्य अभी कृष्टि रूप से पड़ा हुआ है, उसको अपकर्षण भागार का भाग देकर एक भाग का अपकर्षण करके गुणश्रेणी करता है, यानी एक भाग वहाँ गुणश्रेणी में दिया जाता है, तो वहाँ कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो उसको कहेंगे ये तीन पर्व होते हैं, ये जो ऊपर से अपकर्षित द्रव्य होगा यहाँ अपकर्षण भी हो रहा है और स्थिति कांडक घात भी हो रहा है, तो इन दोनों का द्रव्य कहाँ कहाँ दिया जाएगा, तो अभी हम बोर्ड पर देखते हैं, आपके सामने जो चार्ट है पहले बोर्ड पर देखो समझो, फिर अपने चार्ट में देख सकते हैं 19 नंबर का, ये प्रथम कांडक शुरू हुआ यहाँ से, उसका ये पहला समय है, वैसे ही अपकर्षण भी हो रहा है, तो उसका द्रव्य कहाँ दिया जाएगा, नीचे से लेकर गुणित प्रमाण में गुणश्रेणी रूप से यहाँ तक दिया जाएगा, ये टॉप मोस्ट जो है और बड़ी लाइन ये अंतर का पहला निषेक है, तो गुणश्रेणी में एक भाग दिया जाएगा और बाकी जो बचा हुआ उसमें वो अंतर में भी दिया जाएगा और ऊपर भी दिया जाएगा, अंतर अभी पूरा नहीं हुआ, पहले समय में नहीं होगा, दूसरे समय में और वहाँ द्रव्य दिया जाएगा, तीसरे समय में और द्रव्य दिएगा, चौथे समय में और द्रव्य दिया जाएगा, जब प्रथम कांडक घात परिपूर्ण होगा, पूर्ण होने फाली नीचे आएगी, तब वहाँ नीचे तो गुणश्रेणी रूप, अब ये अंतर के आयाम यहाँ जो गैप थी ना, ये गैप पूरी हो गई और यहाँ कंटिन्यूस ऊपर तक ऐसी रचना हो जाएगी, यहाँ तो तीन भेद थे, तीन पर्व हुए थे, गुणश्रेणी वाला, अंतर आयाम वाला और ऊपरी तन स्थिति वाला यानी द्वितीय स्थिति वाला, जिसको हम द्वितीय स्थिति कहते थे, अब यहाँ अंतर को पूरा दिया जाएगा एक अनुभाग कांडक के एक स्थिति कांडक के अंत में, नीचे गुणश्रेणी है, अंतर को पूरा दिया गया है, तो अभी अंतर और ऊपर की जो अलग अलग स्थिति थी उसको एक, इसको गोपुच्छा कहते हैं, गोपुच्छा समझते हैं, गाय की पूँछ कैसी होती है, ऊपर चौड़ी और नीचे वैसे ही, यहाँ उल्टा, नीचे बड़ा है, निषेकों में परमाणु ज़्यादा है और ऊपर परमाणु की संख्या घटती चली जाती है, इसलिए हमेशा ये त्रिकोण जैसी या गोपुच्छा जैसी रचना होती है, तो हम इसको पढ़ेंगे तो ये और ख्याल में आएगा, यानी अभी अंतर को समाप्त करके इन्हें मिटा दिया जाएगा, पहले अभी तक अंतर था, अब पहले समय में अंतर में कुछ द्रव्य दिया, दूसरे समय में और अधिक दिया, तीसरे समय में और अधिक दिया, ऐसे होते होते प्रथम स्थिति कांडक घात की जो अंतम फाली नीचे आती है तो उसमें पूरा ही अंतर समाप्त होकर नीचे गुणश्रेणी और ऊपर एक गोपुच्छा, अंतर और द्वितीय स्थिति मिलकर एक उपरीतन स्थिति हो जाती है, अभी तो द्रव्य देने के तीन पर्व है, तीन जगह है, नीचे गुणश्रेणी, बीच में अंतरायाम और ऊपर द्वितीय स्थिति, यही पढ़ेंगे हम 430 पृष्ठ। गुणश्रेणी, अंतर स्थिति और द्वितीय स्थिति ये तीन पर्व है, तीन पर्व ने तीन अलग अलग जगह है जहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि का द्रव्य दिया जाएगा, अपकर्षण किया हुआ द्रव्य इन तीनों में विभाग करके देता है, जहाँ तक अपकर्षण किए हुए द्रव्य को असंख्यात गुणाक्रम सहित देता है उसका नाम गुणश्रेणी है, नीचे से हमने देखा था पहले निषेक में जितना दिया उसके दूसरे निषेक में असंख्यात गुना, तीसरे निषेक में उससे असंख्यात गुना, चौथे निषेक में उससे असंख्यात गुना, तो ये असंख्यात गुना क्रम से जहाँ तक दिया जाता है उसको कहेंगे गुणश्रेणी, गुणित प्रमाण में पंक्ति रूप रचना उसका नाम है गुणश्रेणी, ऑलरेडी वहाँ के निषेक बड़े बड़े थे ही थे, अब और यहाँ अपकर्षण द्रव्य भी बढ़ता है और वो उसी में अधिक क्रम से दिया जाता है, तो ये गुणश्रेणी हुआ। उसके ऊपरवर्ती यानी उसके ऊपर के गुणश्रेणी के ऊपर के
जिन निषेकों का पहले अभाव किया था, यानी जहाँ हम अंतर कह रहे थे, उनके प्रमाण रूप अंतर स्थिति है, यानी वहाँ निषेक फिर दोबारा तैयार हो गए, तो उसको कहेंगे अंतर स्थिति। उसके ऊपर अवशेष सर्वस्थिति का नाम द्वितीय स्थिति है। पहले हम पहली प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति कहते थे और बीच में अंतर था। अब यहाँ प्रथम स्थिति में तो गुणश्रेणी रूप रचना हुई, अंतर को अभी भर दिया जाएगा, फिर भी उसका नाम अंतर स्थिति कहेंगे। उनके निषेकों का फिर से सद्भाव होगा, वो कैसे होगा, ऊपर से द्रव्य आ रहा है ना द्वितीय स्थिति में से, उसके द्वारा वहाँ अधिक द्रव्य देके वो अंतर पूरा दिया जाएगा और फिर ऊपर का नाम है द्वितीय स्थिति। ये तीन पर्व हुए। मोहनी की यह गुणश्रेणी, यह है ना यहाँ बनने वाली, क्योंकि हर जगह नई नई गुणश्रेणी बनती है ना। पहले हमने संग्रह कृष्टि में भी गुणश्रेणियाँ देखी थी, एक एक संग्रह कृष्टि आती थी नीचे, उसकी गुणश्रेणी बनती थी। वो कैसी थी, उदय के समय से थी, और कैसी थी, गलितावशेष थी, गलती चली जाती थी। अब यहाँ क्या लिखते देखेंगे कि यह गुणश्रेणी यहाँ सूक्ष्म सांप्राय के काल से कुछ विशेष अधिक है, तो भी यहाँ पाए जाने वाले ज्ञानावरणादि के गुणश्रेणी आयाम से अंतर्मूर्त मात्र हीन है। इसकी विशेषता यहाँ बताते, यह उदयादि यानी उदय के समय से लेकर, और आगे क्या लिखा है, अवस्थित गुणश्रेणी है। उदयादि अवस्थित है, उदयादि अवस्थित है यानी यहाँ जो अपकर्षण करने का कार्य चलेगा ही, कांडक घात भी चलेगी ही, और यहाँ जो गुणश्रेणी बनी है पहले कांडक घात के बाद, ये गुणश्रेणी उतनी की उतनी ही रहती है, यहाँ गलकर कम नहीं होती है, इसलिए उसको अवस्थित कहा। ऊपर से अपकर्षण होकर कांडक से तो द्रव्य नीचे आता ही रहेगा, गुणश्रेणी तो इतनी की इतनी रहेगी, वो स्थिति घटती चली जाएगी, गुणश्रेणी इतनी ही बनी रहेगी, इसलिए इसका नाम है अवस्थित। ये गलेगी नहीं, ऊपर की स्थिति घटती चली जाएगी और उतने ही गुणश्रेणी आयाम में गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाएगा। क्या उसमें कोई कृष्टि विष्टि नहीं हुई है, उसमें तो पूर्व स्पर्धक रूप से ही रचना है ना, उसमें अपूर्व स्पर्धक बने हैं ना कृष्टि बनी है। ये अपूर्व स्पर्धक और कृष्टि का कार्य मात्र मोहनीय में हुआ है। ज्ञानावरणादि में तो स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात ही होते आए और स्थिति बंधापसरण होते आया, उसी से उसकी स्थिति घटती घटती चली है। अब यहाँ जो अवस्थित गुणश्रेणी आयाम है इसका, उदय रूप जो वर्तमान समय, उससे लेकर यह पाई जाती, यह नहीं यह गुणश्रेणी पाई जाती है, पूर्ववत उदयावली के पश्चात नहीं, कहीं कहीं उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी होती है, यहाँ पर उदय के समय से हो रही है, इसलिए इसे उदयादि कहते हैं, तथा अवस्थित प्रमाण वाली है, यानी इसका प्रमाण, इसके निषेकों का प्रमाण उतना का उतना रहता है। एक निषेक गल जाएगा तो अंतर वाला एक निषेक गुणश्रेणी में प्रवेश करेगा, ऐसे ही बनेगी ये बात आगे चलेगी। पूर्व गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम में, गलितावशेष यानी गलित नीचे से गल जाता है और बाकी शेष बचता है, उसको कहेंगे गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम में। एक एक समय व्यतीत होने पर गुणश्रेणी आयाम घटता जाता है, हमने देखा ना, घटते 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 आवली प्रमाण रह गए था, यहाँ उतना का उतना रहेगा। अब एक एक समय व्यतीत होने पर उसके अनंतरवर्ती अंतरायाम का एक एक समय मिलकर गुणश्रेणी आयाम जितना का उतना रहता है, इसलिए इसे अवस्थित कहते हैं। यानी जितना एक एक समय बीत जाएगा तो यहाँ एक निषेक गलेगा, यहाँ एक निषेक गलेगा तो ऊपर का जो अंतरायाम का, जो अंतरायाम का जो था वो गुणश्रेणी रूप से आएगा, और ऊपर का जो निषेक है वो उसमें असंख्यात गुणा द्रव्य दिया जाएगा। यानी ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा। यानी मान लेते 100 निषेकों में गुणित प्रमाण में दिया तो ये 100 के 100 ही रहेगा, एक निषेक गल गया 99 हो गए, ऊपर का जो एक निषेक जिसमें गुणित प्रमाण में नहीं देते थे उसमें भी गुणित प्रमाण में देने लगेंगे, तो गुणश्रेणी का आयाम उतना का उतना बताएंगे।
इसलिए उसका नाम है अवस्थित गुणश्रेणी आयाम। अब 434 पृष्ठ निकालना। ये टीका की तीसरी लाइन, जाता है द्रव्य कहाँ कहाँ दिया, नीचे गुणश्रेणी में दिया, बीच में अंतरायाम में दिया और ऊपर भी द्वितीय स्थिति में दिया। पूर्व में वहाँ तो ऑलरेडी वहाँ निषेक थे ही थे, उसमें एडिशनल और दिया, पूर्व सत्ता का द्रव्य प्लस दिया हुआ द्रव्य। अब नीचे प्रथम स्थिति में कुछ था ही नहीं, वहाँ नैया तैयार हुआ, अंतरायाम में कुछ नहीं था वहाँ पर भी दे दिया, और ऊपरी तंत्र था उसमें और एडिशनल दे दिया, उसी में से निकाल कर उसी में दे दिया। अब ये जो दिया हुआ और पहले एग्जिस्टिंग है, इनका मिलकर फाइनल रिजल्ट कैसे दिखेगा, उसको कहते दृश्यमान द्रव्य। एक है दिया हुआ द्रव्य, उसका प्रमाण बताएंगे, उसके गणित बताए, उसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ कहते दृश्यमान द्रव्य ने फाइनल रिजल्ट कैसे दिखेगा देने के बाद, तो यहाँ लिखा है ऊपर 587 की टी का पहली लाइन, पूर्व द्रव्य और दिया द्रव्य मिलकर जो दृश्यमान द्रव्य होता है उसका विधान कहते हैं। यानी वो कैसे दिखेगा, तो गुणश्रेणी में तो गुणित प्रमाण में दिखेगा, अंतरायम में कैसे दिखेगा और ऊपर कैसे दिखेगा, वो यहाँ बता रहे हैं। तीसरी लाइन से पढ़ेंगे, वर्तमान समय संबंधी निषेक यानी उदय रूप निषेक, नीचे का वर्तमान समय संबंधी यानी नीचे का, जिसको हम उदय संबंधी कहने, उदय रूप निषेक, वह अल्प है क्योंकि उसमें परमाणु की संख्या कम है, अनंत अनंत है फिर भी कम है कहेंगे, हा? उससे अंतरायाम के प्रथम निषेक तक असंख्यात गुणा क्रम सहित है। अभी ये ऊपर का निषेक है वो अंतरायाम का है, और उसके नीचे का गुणित प्रमाण में, क्योंकि अपकर्षण द्रव्य का एक भाग गुणश्रेणी में दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपर भी असंख्यात दिखने वाला, तो असंख्यात गुणा वहाँ तक दिख रहा है, परंतु इसमें दिया हुआ द्रव्य ऊपर में जो द्रव्य सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें से है। देखो एक भाग गुणश्रेणी में दिया और बहुभाग अंतरायाम और द्वितीय स्थिति में दिया। अंतरायाम के नीचे के निषेक में कहाँ से द्रव्य आया, ऊपर के बहुभाग में से आया, फिर भी वो कितना है, तो कहते गुणश्रेणी के अंतिम निषेक में दिया है ना, उससे दिखने में वो असंख्यात गुणा दिख रहा है, क्योंकि ऊपर द्रव्य बहुत है, सारा मोहनीय का द्रव्य पड़ा है, बहुभाग में बहुत द्रव्य है, वो ऊपर दिया है वो अधिक दिख रहा है, दिखने वाला द्रव्य अधिक है। उसके ऊपर अंतरायाम के अंत निषेक तक विशेष घटते क्रम सहित है, अंतरायाम के यहाँ विशेष घटते क्रम सहित है। यहाँ तक देय द्रव्य का यानी दिया जाने वाले द्रव्य का जैसा क्रम है वैसा ही दृश्यमान है, क्योंकि वहाँ कोई निषेक थे नहीं, इसलिए जैसा दिया है वैसा ही दिख रहा है। उसके ऊपर द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक का दृश्यमान द्रव्य असंख्यात गुणा है। यहाँ अंतरायाम के अंत में जितना दिया उससे द्वितीय स्थिति का पहला निषेक दृश्यमान जो दिख रहा है वो असंख्यात गुणा है। उसके ऊपर उसके अंत निषेक तक विशेष घटते क्रम सहित है, अंत निषेक तक विशेष घटते क्रम सहित है आगे। इस प्रकार सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय से लेकर, प्रथम समय में ऐसा था, दूसरे समय में और द्रव्य नीचे आता है, वो उसी पद्धति से गुणित क्रम से, अंतरायाम में घटते क्रम से, द्वितीय स्थिति में ऐसा दिया जाता है। तो प्रथम समय से लेकर प्रथम स्थिति कांड का घात जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक ऐसा क्रम जानना। प्रति समय असंख्यात गुणा द्रव्य तो नीचे आ रहा है, परंतु तभी तो ऐसा ही होगा। अब जब एक कांडक पूरा होगा, कौन सा स्थिति कांडक की बात है, 436 पृष्ठ निकालना। इस प्रकार प्रथम कांडक काल संपूर्ण होने पर अंतर पूर्ण हुआ, यह अंतर में कुछ निषेक नहीं थे, तो अंतर में यहाँ द्रव्य देते देते, यहाँ तो कुछ हीन क्रम से दिया जाता था, पहली फाली दूसरी फाली तीसरी अंतिम फाली तो बहुत बड़ी होती है, तो सब देकर अंतर पूर्ण हुआ,
तो ये इतना जो गैप दिख रहा था वो सब पूरा हुआ। तो जब पहला स्थितिकांडक घात पूर्ण हुआ तब जिन बीच के निषेकों का अभाव हुआ था उनका सद्भाव हुआ, तब अंतर पूर्ण होने से गुणश्रेणी आयाम बिना ऊपर के सर्व निषेकों में एक गोपुच्छ हुआ। इसका अर्थ समझते हैं? ये गुणश्रेणी यहाँ तक है और यहाँ से लेकर ऊपर की द्वितीय स्थिति, उसका एक गोपुच्छ हुआ, यानी क्रम से घटते क्रम से जो परमाणुओं की संख्या घटते क्रम से निषेक रचना हुई। कहीं पर भी निषेक रचना होती है तो इसी घटते क्रम से पाई जाती है, इसलिए फाइनल रिजल्ट कैसा हुआ, एक गोपुच्छाकार रचना हुई और नीचे गुणश्रेणी प्रमाण से और ऊपर क्रम से घटते क्रम, उसको कहेंगे एक गोपुच्छा हुआ। इस तरह सूक्ष्म सांप्राय काल के प्रथम समय से लेकर प्रथम कांडक की अंत फाली पतन तक तो तीन स्थानों में द्रव्य देने का विधान समान रूप कहा। कौन से तीन स्थान? नीचे गुणश्रेणी, बीच में अंतरायाम की जो स्थिति और ये द्वितीय स्थिति, यहाँ तक तो तीन पर्व थे। अब यहाँ के बाद कितने पर्व रहेंगे? एक गुणश्रेणी में और एक उपरीतन स्थिति में, क्योंकि यहाँ अपकर्षण भी होगा और ऊपर के कितने ही निषेकों का स्थिति कांडक घात होकर इसका भी द्रव्य नीचे आएगा, और वो कहाँ कहाँ दिया जाएगा? गुणश्रेणी में और उपरीतन स्थिति में। अभी बीच में कोई गैप नहीं है, गैप पूरा भर दिया गया, अंतर को भर दिया गया है ना। तो द्वितीय आदि कांडक, इसलिए प्रथम कांडक की विशेषता अलग है। प्रथम कांडक का द्रव्य दिया तब तीन जगह दिया था, गुणश्रेणी में, अंतर में, अंतरायाम में और द्वितीय स्थिति में। अब पहला कांडक पूरा हुआ, स्थिति कांडक घात पूरा हुआ, उसका द्रव्य दे चुके, तब अंतर पूरा भर दिया गया। अब दो ही पर्व रह जाएंगे, गुणश्रेणी और उपरीतन स्थिति। तो द्वितीय आदि यानी दूसरा कांडक, तीसरा कांडक, चौथा कांडक, इनका द्रव्य देने का विधान कैसा? समान होगा। पहले कांडक में कुछ विशेषता हुई थी क्योंकि अब तक जो नवे गुणस्थान में अंतर बनाया था वो अंतर पूरा करने का कार्य दसवें गुणस्थान में पहले समय से लेकर एक स्थिति कांडक घात पूरा होने तक चला, इसलिए वहाँ तीन पर्व कहे। अब आगे हम बढ़ेंगे द्वितीय आदि कांडकों में। अब ये द्वितीय आदि कांडकों में अब हम डायरेक्ट यहाँ पढ़ेंगे 437 पृष्ठ पर, 437 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। वहाँ तो देय द्रव्य और दृश्यमान द्रव्य की बात है, देय द्रव्य ने दिया जाने वाला द्रव्य, दिया जाने वाला कैसे दिया जाएगा? गुणश्रेणी में असंख्यात गुणाक्रम से और ऊपर द्वितीय स्थिति में थोड़ा घटता हुआ, ये हुआ देय द्रव्य। अब यहाँ 590 की टीका देखेंगे हम। मोह के द्वितीय स्थिति कांडक घात से लेकर द्विचरम यानी लास्ट बट वन स्थिति कांडक घात तक दृश्यमान द्रव्य यानी दिखने वाला फाइनल रिजल्ट गुणश्रेणी के प्रथम निषेक में अल्प है, जैसे हमने पहले स्थिति कांडक घात के अंत में देखा था, बोर्ड पर जो हमने देखा था, उससे गुणश्रेणी शीर्ष के ऊपर का अंतरायाम का पहला निषेक वहाँ तक असंख्यात गुणाक्रम सहित है। देखो ये क्यों है ऐसा कह रहे हैं, ये गुणश्रेणी आयाम यहाँ तक ही है, उसके ऊपर का ये जो बड़ा निषेक बता रहे हैं वो अंतरायाम का पहला निषेक है, उसमें द्रव्य ऊपर से आया है। गुणश्रेणी वाला जो कुछ एक भाग प्रमाण द्रव्य है उसमें से तो यहाँ तक दिया है द्रव्य असंख्यात गुणाक्रम से, और इस ऊपर के निषेक में द्रव्य तो ऊपर के बहुभाग में से आया है, परंतु फाइनल रिजल्ट कैसा दिख रहा है? पहले समय से लेकर, उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी के ऊपर के निषेक तक, गुणश्रेणी का टॉप मोस्ट निषेक है उसका नाम है गुणश्रेणी शीर्ष, और उसका ऊपर का निषेक है द्वितीय स्थिति का पहला निषेक, उसमें भी असंख्यात गुणा दिख रहा है, परंतु वो गुणश्रेणी वाला वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उसका द्रव्य कहाँ से आया? ऊपर दिए जाने वाले द्रव्य में से आया है। परंतु दिखने वाला द्रव्य कैसे दिखेगा? पहले निषेक से लेकर
गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर के निषेक तक असंख्यात गुणाक्रम सहित दिख रहा है। समझ में आ रही है ना बात? देखो तो यहाँ दिखा रहे मोह के द्वितीय स्थिति कांडक घात से लेकर द्विचरम स्थिति कांडक घात तक दृश्यमान द्रव्य गुणश्रेणी के प्रथम निषेक में अल्प है, उससे गुणश्रेणी के ऊपर का अंतरायाम का पहला निषेक, अभी वहाँ अंतर रहा नहीं, उसको पूर्व कर दिया है, परंतु वो जो पहला निषेक है वहाँ तक असंख्यात गुणाक्रम सहित है। उसमें जो द्रव्य दिया था वो ऊपर से बहुभाग में से आया था, गुणश्रेणी में जो द्रव्य दिया वो एक भाग में से दिया है, फिर भी वो ऊपर के निषेक में द्रव्य असंख्यात गुणा दिख रहा है। उसके ऊपर अंत निषेक तक, जो ऊपर द्वितीय स्थिति की अंत निषेक तक गोपूछा है ना, तो अंत निषेक तक विशेष घटते क्रम सहित दृश्यमान द्रव्य है, क्योंकि प्रथम कांडक की अंतफाली के पतन के समय में गुणश्रेणी के ऊपर सर्वस्थिति का एक गोपुच्छ होता है, वो हमने पहले भी देखा था, उसको गोपुच्छ कहते हैं। क्रम से घटते हुए जो संख्या है परमाणुओं की, उसके द्वारा जो ऐसी निषेक रचना होती है उसको कहेंगे गोपुच्छ। अब हम आगे देखते हैं, अभी तक तो हमने द्विचरम फाली तक बात बताई है, अब अंतिम कांडक में क्या होगा उसकी बात यहां बताते हैं। यानी वैसे यहां पर भी देखो पेज नंबर 439 निकालना, पूर्वोक्त क्रम से, यानी यहाँ स्थिति कांड घात होते रहते हैं, सूक्ष्म सांप्राय में उसके काल का संख्यात बहुभाग जाने पर, संख्यात वा भाग अवशेष रहने पर, संख्यात हजार स्थिति कांड व्यतीत होकर, क्या कहा? सूक्ष्म सांप्राय के काल में भी संख्यात हजार स्थिति कांडक हो रहे हैं, और एक एक कांडक अंतर्मूर्त वाला होता है, और स्थिति सत्व तो अंतर्मूर्त प्रमाण शेष रहा था, फिर भी संख्यात हजार स्थिति कांडक व्यतीत होने पर अवसान खंड, अवसान खंड ने अंतिम खंड, अंतिम स्थिति कांडक घात होगा। अब यहाँ पर जो अंत का स्थिति कांडक, उसके द्वारा पूर्व गुणश्रेणी आयाम के संख्यात वे भाग मात्र आयाम में गुणश्रेणी करता है, इसका अर्थ देखेंगे हम। और इससे पहले सर्व सूक्ष्म सांप्राय काल से साधिक अवस्थित गुणश्रेणी आयाम था, अब जितना अवशेष सूक्ष्म सांप्राय का काल रहा उतना गुणश्रेणी आयाम जानना, अभी इसका अर्थ देखते हैं हम। अब तक की पोजीशन क्या थी? गुणश्रेणी आयाम अवस्थित था, और वो कितना था? सूक्ष्म सांप्राय काल से भी बड़ा था। ये जो यहाँ लिखा है, ये जो अवस्थित, ये पहले कांडक के बाद यही पोजीशन बन गई है, ये गुणश्रेणी आयाम इतना रहा और वो उतना का उतना रहेगा, और ऊपर से स्थिति कांडक घात होते चले जाएंगे। स्थिति कांडक घात होते होते इसी में आकर इसी पद्धति से गुणश्रेणी रूप से और ऊपर ऐसा कम होते चले जाएंगे। हम मान लेते हैं ऐसे ऊपर से बहुत सारे स्थिति कांडक घात हुए, अब अंतिम कांडक का ग्रहण होगा, तो अंतिम स्थिति कांडक कितना बड़ा होगा ये यहाँ प्रश्न है। अभी तक गुणश्रेणी का आयाम कितना था? दसवें के काल से बड़ा था, और उसके ऊपर भी स्थिति बहुत बड़ी थी। उसी स्थिति में से कांडक घात होते 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 अभी अंतिम स्थिति कांडक, यानी कितना काल बीत गया है? हाँ, दसवें गुणस्थान का बहुभाग बीत गया है, एक छोटा भाग अवशेष है। अब यहाँ जो कांडक रूप से ग्रहण करेगा,
ये अंतिम कांडक, ये पूर्व की गुणश्रेणी का ऊपरी यानी शीर्ष है। अभी इतने मान लेते, इतने नीचे के चार हम छोड़ेंगे, ये सूक्ष्म सांप्राय का रिमेनिंग काल है मान लेते हैं, और ऊपर के सभी कांडक रूप से ग्रहण होगा। कांडक रूप से ग्रहण होगा क्या अर्थ है, ये पूरे के पूरे जो निषेक है उसके परमाणु नीचे गुणश्रेणी रूप से दिए जाएंगे, एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, इस तरह से जितना अभी इतना काल शेष है उसमें वो आकर मिलेंगे। हाँ, लास्ट एक कांडक की बात है, एक कांडक के लिए भी अंतर्मूर्त लगेगा यथा योग्य, और उसके नीचे कितने निषेक छोड़ने हैं, जितना सूक्ष्म सांप्राय का रिमेनिंग काल है उतने, मान लेते 50 समय रहे हैं, तो 50 समयों को छोड़कर ऊपर का पूरा कांडक रूप से ग्रहण करेंगे। एक समय में एक फाली आई, 50 समय से अभी 49 हो गए, है ना, क्योंकि अभी तो गुणश्रेणी अवशेष अवस्थित नहीं रहेगी, अभी तो जितना सूक्ष्म सांप्राय का काल है उसमें गुणश्रेणी रहेगी, और उसके ऊपर का जितने कुछ स्थिति बाकी है उसके एक कांडक की एक फाली नीचे आई, सभी में गई, एक निषेक गल गया, फिर दूसरी फाली आई 49 निषेकों में आई, वो गल गया, फिर तीसरी फाली आई 48 निषेकों में आई, वो गल गया, चौथी फाली आई, ऐसे करके अभी क्या होगा, वो अंतिम फाली नीचे आकर वो जितने रिमेनिंग समय उसमें आ जाएंगे, बाद में क्या होगा, वो एक एक ही निषेक गल जाएगा और सूक्ष्म सांप्राय का अंत हो जाएगा। अभी इसको पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। देखो देखो, ये पेज नंबर हम 439 देख रहे थे, 595 की टीका हम देख रहे थे यहाँ पर, तो कहते हैं पूर्वोक्त क्रम से सूक्ष्म सांप्राय में उसके काल का संख्यात बहुभाग जाने पर, संख्यात्वा भाग अवशेष रहने पर, संख्यात हजार स्थितिकांडक घात व्यतीत होकर, अब जो अंतिम स्थितिकांडक है उसके द्वारा पूर्व गुणश्रेणी आयाम के संख्यात्वे भाग मात्र आयाम में गुणश्रेणी करता है। गुणश्रेणी का ऊपर का भाग कांडक रूप से नष्ट होगा, संख्यात्वा भाग अवशेष रहेगा। इससे पहले सर्व सूक्ष्म सांप्राय काल से साधिक अवस्थित गुणश्रेणी आयाम था, अब जितना अवशेष सूक्ष्म सांप्राय का काल रहा उतना गुणश्रेणी आयाम जानना, क्योंकि अवशेष काल में फाली रूप से निश्चय भी आएगा और वहाँ एक एक निश्चय गल भी जाएगा। अब वो क्या होता है अंत में उसकी बात हम शाम को देखेंगे, अब यहीं रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान।